Hello, hi guys, good afternoon everybody and welcome to the class. This is Sana Khan, your mathematics master teacher from Vedantu. So what's up buddies, kaise hain aap sab? I hope that you guys are doing good. Well, I am here with another amazing fun session. Well, aaj koi padhai nahi hone wali hai, but aaj mathematics ki baatein to hongi. But it's going to be a fun session because I have brought for you guys some amazing puzzles and I want to see how many of you can solve them. So are you all excited for the class? Hi Pirates, hi Jethia, hi Ridhima, hi Mannat, Shravya, Pragati, Isha, hi Anusha, hi Shrikanta, hi Rumesa, hi Nisha, hi Krishna, hello Nitin More, hi Suhani, hi Chandu, hi Sanvi, hi Joel, hello Avni, hi everybody, what's up? Are you all doing good? Are you all fine? Hi Samyak, hi Adarsh Saini, yes Pragati Veta, welcome. Hi Hansini, hello Vaishnavi. Chalo, I can see that your Josh is definitely super high, so let's get started without wasting any time. Okay, so starting with my introduction first, well, I am Sana Khan, I am your mathematics master teacher from Vedantu and your friend. Well, you can call me Didi, Didu, Akka, Api. I will feel really happy if you feel connected to me. And right now you are on the channel of Math Pirates. So, if you are new to this channel, तो करिए चैनल को सब्सक्राइब. अरे मेरा पेन नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा भाई, एक सेकेंड, व्हाई इज माय पेन नॉट वर्किंग. अरे माय पेन इज नॉट वर्किंग, इवन माय वीडियो हैज गॉट स्टक. Am I visible to all of you now? Can you all see me now? I think you can. Okay, so yeah. मेरा स्क्रीन अटक गया था, आई डोंट नो व्हाई, सो मुझे वापस रीस्टार्ट करना पड़ा इस सेशन को. सो आई होप आई एम विजिबल नाउ. कूल, सो गाइस आर यू ऑल रेडी फॉर सम ब्रेनस्टॉर्मिंग फन टाइम जहां पे आपको मैथ के रिडल सॉल्व करने होंगे. आर यू ऑल रेडी, आर यू ऑल रेडी? आई हिबा, आई एम इन माय पेरेंट्स हाउस, दैट्स व्हाई बैकग्राउंड इज डिफरेंट. Hi Shalini, bonjour Navu, hi Ilma, hi Ridhima, yes, hi Tiu, oh Tiu, welcome, hi Ananya, hi Harshita, hi Anandi, hello Bhumika, hi Yashaswini. Okay guys, awesome, so let's get started, let's kill it. So चैलेंज नंबर वन फॉर यू ऑल ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ. कैन यू फाइंड द मिस्टेक इन दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज द मिस्टेक, व्हाट इज द मिस्टेक? चलो भाई जल्दी से बताओ एंड मुझे थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट करने दो, एक सेकेंड बच्चों. अब जो है आपको पीपीटी की स्क्रीन ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी. राइट, सो व्हाट इज द मिस्टेक? 2 3 0 23, व्हाट इज द मिस्टेक? वेल द मिस्टेक इज द, द, सो देयर आर टू द इन द सेंटेंस, दैट्स द मिस्टेक. सो एक द की जरूरत नहीं है. कैन यू फाइंड द मिस्टेक? राइट, अगला चैलेंज ये रहा, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बच्चों? जल्दी से सॉल्व करो और बताओ.
मिस्टेक इज मिस्टेक. नहीं. हाय तारानी, हाउ आर यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम? यू आर हियर, व्हाट्स अप? What will come in the place of question mark? Socho, socho. 5, 3, 2, 3, 2, 5, 2, 5, 3. Very good. So यहाँ पे 2 dots है, 5 dot है, तो 3 dot आना चाहिए. तो ये तो हमें पता चल गया. और 3 dots कौन से कलर के होंगे? रेड कलर के होंगे. ऑप्शन डी. वेरी गुड. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. यस. नहीं, सानवी किसने बोला कि आज से शुरू होने वाला था? मैंने तो नहीं बोला. आई नो नाबू बेटा, आई नो ऐसा होता है. यस. चैलेंज नंबर 3. विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? Which number will replace the question mark? 6, 2, 8, 4, 7, 4, 11, 3, 9, 4, 13 and dash. बताओ, what will come in the place of question mark? कौन सबसे पहले जवाब देगा? आई नो नवू बेटा, आई नो, मैंने आपका कॉमेंट रीड कर लिया है. मैम टूडे एग्जाम फिनिश्ड, आई एम वेरी हैप्पी, टूडे आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. दैट्स वेरी नाइस वैष्णवी, दैट्स वेरी नाइस. एंड सबसे पहले सही जवाब दिया है भूमिका, अंश, सुहानी, अनन्या, कृष्णा एंड सोनल गुप्ता ने. वेरी गुड, वेरी गुड. सो राइट आंसर है बच्चों 4 + 2 = 6, 2 + 6 = 8. वैसे ही 3 + 4 = 7 एंड 7 + 4 = 11. सिमिलरली 5 + 4 = 9 एंड 9 + 4 = 13. सो द राइट आंसर इज 5. राइट राइट राइट. आई वैशु, क्या बात है, वेरी नाइस बच्चों. अगला चैलेंज, 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, सो 8 + 11 = dash. लेट मी नो, कम ऑन सॉल्व करो. आई वैशु, हाय वैशु, आई कैन सी यू. वेरी गुड. सही जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में आ चुका है एंड एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट आंसर दिया है अंश. अंश के बाद श्रीकांता, देन वी हैव प्रगति, गीता, रोनित. नहीं, रोनित ने गलत जवाब दिया है. यशस्विनी ने भी गलत जवाब दिया है. सो सॉरी. सुहानी ने सही जवाब दिया है एंड गीता ने भी सही जवाब दिया है. वेरी गुड. सो राइट आंसर है बच्चों 1 × 4 + 1 = 5, 2 × 5 + 2 = 12, 3 × 6 + 3 = 21, सो 8 × 11 + 8 = 96. ये लॉजिक हमने अप्लाई किया है, लॉजिक आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है. सो इसमें जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं प्लस 1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया प्लस 2, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया प्लस 3, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, आया 96. अंडरस्टूड? वेरी गुड. अब आता है बच्चों चैलेंज नंबर 5. If potato is 87, onion is 67, garlic is 50 and ginger will be dash. So, ये उनके price तो नहीं है, but it is something related to them.
फाइव? नहीं, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। पोटैटो इज 87, अनियन इज 67, गार्लिक इज 50, जिंजर इज डैश। चलो मैं हिंट बताऊं आपको, तो हिंट ये है बच्चों, पी इज द 16th लेटर, ओ इज द 15th लेटर, टी इज द 20th लेटर, ए इज द फर्स्ट लेटर, टी इज अगेन द 20th लेटर एंड ओ इज द 15th लेटर। When you add all of them, you get 87. अब इस लॉजिक को अप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड जॉयल, वेरी गुड मानवी, वेरी गुड। और किसने सही आंसर दिया है? अच्छा, मानवी और जॉयल ने ही सही आंसर दिया है, बस। सोनल गुप्ता करेक्ट आंसर। एंड डू वी हैव एनीवन एल्स? आई थिंक इन्हीं बच्चों ने सही जवाब दिया है। युवराज राइट आंसर, अंश राइट आंसर, आरोही राइट आंसर। 6-0-60, क्योंकि जी जो है वो 7th लेटर है, आई जो है वो 9th लेटर है, एन जो है वो 14th लेटर है, अगेन जी 7th लेटर है, ई 5th लेटर है और आर 18th लेटर है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, जब आप उनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 60। ओके राइट एवरीवन, वेरी गुड। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द मेंटी क्विज? तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं, अब हम मेंटी में भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑन द मेंटी, कैन वी हैव क्विकली 100 लाइक्स ऑन द वीडियो? यस और नो, यस और नो, यस और नो। मजा आ रहा है तो लाइक बटन को हिट करो यार, जल्दी से। लेट्स मेक 100 लाइक्स ऑन द वीडियो एंड फिर शुरू करते हैं हम मेंटी। सो लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ menti.com। ये है हमारा कोड, 6372-6213, कोड एंटर करिए और शुरू हो जाइए बच्चों। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, एंटर द कोड एंड लेट्स स्टार्ट द मेंटी। सो दिस इज द मेंटी स्क्रीन। कल क्या होगा? कल सरप्राइज रिवील होगा, कल आपको पता चल जाएगा कि क्या बदलाव आने वाला है। हाँ प्रगति बेटा, ऐसा क्यों? आई सी हज, ओके रुमैसा, कम ऑन गाइस, जल्दी से आप मेंडी ज्वाइन करिए एंड देन वी विल स्टार्ट। हाँ जी, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड इट? ओह यस, हैप्पी अप्रैल फूल डे। आई हैव नो आइडिया सानवी बेटा, मुझे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्लास 9 की सेशंस कब से शुरू होंगे। वेरी गुड हरजीत सिंह, वेरी गुड। हाँ जी रुमैसा, मैं थोड़ी सी सैड तो हूँ, और मैं क्यों सैड हूं वो कल आपको पता चल जाएगा।
I remember, Hiba, that you were able to fool me, but I don't remember in what way. चलो भाई शुरू करें. 3, 2, 1, go. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. आई नो श्रीकांता, यू आर राइट. विच सेट ऑफ लेटर्स इज द ऑड वन आउट? विच सेट ऑफ लेटर्स इज द ऑड वन आउट? वेरी गुड श्रद्धा. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ए डी ई, ठीक है, ए के बीच में दो गैप आता है बी सी और फिर आता है डी, और डी के बाद जस्ट नेक्स्ट लेटर है ई. सेम हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है क्या? आई के बीच में दो गैप आता है जे के, और एल के बाद आता है डायरेक्टली एम. क्या ऐसा ही हमें थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है? लाइक दिस यू हैव टू चेक, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. समझे नहीं समझे? देखो ए बी सी डी ई, सो ए डी ई. वैसे ही हमारा अगला ऑप्शन था आई एल एम, आई जे के एल एम, आई एल एम. तो इस तरीके से आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना था. अगला था बच्चों जे एल एम, जे के एल एम एन. तो आंसर होना चाहिए था जे एम एन, बट हमें ऑप्शन दिया है जे एल एन, सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जे एम एन होना चाहिए था. आया समझ में लॉजिक? इट्स इंटरेस्टिंग राइट? ओके ओके मैम, मैं स्नोफ्लेक्स इमोजी हूँ, नाम नहीं लिख पाई हूँ. ओके सो दिस इज आरोही. अरनवी स्टिंजलीशियस कौन है भाई? कृतिका, गौरी, अशोक, एल्सा, हर्षिता, मानवी, सोनल, आत्रेया एंड प्रेशा. आलिया बेटा तुम हॉस्टल नहीं जा रही हो, मुझे पता है, डोंट ट्राई टू फूल मी. वेरी गुड, 8 फॉर एवरीवन. अन्या, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? ए टू सी फोर ई सिक्स, जी थ्री आई फाइव डैश एट, एम फाइव ओ नाइन क्यू 14. सो थिंक अबाउट इट. पैटर्न ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा. शुभी बेटा, नॉट इग्नोरिंग यू, नॉट इग्नोरिंग यू. अच्छा ओके हिबा, आई गॉट इट. नहीं सानवी बेटा, नहीं बनाया. अरे आलिया, ये बात कल बोलना, तब मैं मानूंगी, ठीक है. के एट, क्योंकि देखो 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, क्योंकि वहां पर 9 + 4 = 13, तो वो लॉजिक से के 8 होगा, है ना. कम मागणी पृथ्वी. और लीडर बोर्ड पे आ गए हैं सम्यक, दक्ष, रिदिमा, मिहिर, जॉयल, अनुषा, अर्णवी, कृतिका, आरोही एंड हर्षिता. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा. ऑल द बेस्ट सैनी सिस्टर्स, ऑल द बेस्ट. विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क गिवन ओवर हियर? इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करो. मैं ना पानी लेकर आ रही हूं, मेरे पास पानी नहीं है, मैं जल्दी से पानी लेकर आती हूँ, ठीक है.
Okay, so I am back. Thank you for the patience. Okay, guys, so option A is the right answer. Very good. अनन्या अरनवी जॉयल रिधिमा प्रमिला सम्यक दक्ष मिहिर कृतिका एंड हर्षिता. आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू देयर. आई सेड टू माय डैड आई एम गोइंग टू ओनली विद सना मैम. ओह थैंक यू सो मच शुभी. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. हाय शुभू, क्या हाल है? क्या हाल है भाई, बड़े दिनों बाद. Which one will replace the question mark in this question? Find out. नहीं सानवी बेटा, आपको कल पता चल जाएगा कि मैं क्यों सैड हूं. मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी आलिया. ओ माय गॉड प्रगति. सो व्हाट इज द आंसर? 5478695103 72 डैश. Six is the right answer. Very good, very good. आरोही अनन्या अरनवी जॉयल प्रमिला सम्यक मिहिर और हर्षिता ने दिया है सही जवाब. क्या बात है हर्षिता, तुम तो मचा रही हो भाई लीडर बोर्ड पे, बिल्कुल धुआंधार करेक्ट आंसर दे रही हो. नहीं पलक बेटा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? हाय जेसिका, आई नो नवू बेटा, आई नो. डू यू गाइज वॉन्ट टू मीट कोको? अच्छा पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं तुम्हें कोको से मिलाऊंगी. ठीक है सानवी, मैं कल के सेशन में दिखा दूंगी, अभी तो वो सो रही है फिलहाल. मनस्वी बेटा, रीजनिंग हम अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट मे बी नेक्स्ट ईयर. जॉयल, दैट्स एन अप्रैल फूल. ओ आलिया, मैंने पहले ही बता दिया था तुम नहीं जा रही हो. 18 ट्राइंगल्स होंगे. वेल 18 ट्राइंगल्स क्यों होंगे, इसका आंसर आपको यहां पर मिलेगा. देखो, वन फुल ट्राइंगल, फिर एक लाइन को हटा दिया, इस लाइन को हटा दिया, बॉटम लाइन को हटा दिया. फिर छोटा ट्राइंगल तीन तरीके से बन सकता है, फिर बड़ा ट्राइंगल बीच में इस तरीके तीन तरीके से बन सकता है. इस तरीके से हुए टोटल 10 ट्राइंगल्स, और उसके बाद नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को बस आप काउंट कर लो. सो इट इज 8 मोर ट्राइंगल्स है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. अरे एक सेकेंड. सो 1 2 3, ओ इसके आगे और भी तो होंगे. हाँ आई थिंक इसको काउंट किया ना. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 और हो गए तो 10 plus 16 26 हो जाएंगे बच्चों. सो इट विल बी 26, बट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ 26. तो इस क्वेश्चन को हम उड़ा देते हैं.
I think now it is fine. हाँ जी, सो डू यू गाइस वांट टू मीट कोको? कोको जो है वो मेरे पेरेंट्स के घर पे एक कैट है, यानी मेरी छोटी सिस्टर जो है ना उसकी कैट है. सो आई विल शो यू गाइस कोको. ये बिल्कुल पोलू की तरह दिखता है ना. कोको बिल्कुल पोलू की तरह दिखता है ना. देखो जी, तुम है ना, तुम पोलू की तरह दिखते हो, तुम पोलू के भाई हो छोटी सी. हाँ, सबको हाय बोल दो, सबको हाय बोल. अच्छा, आप एक बार सबको हाय बोल दो. हाय एवरीवन. अच्छा जाओ. ओके, यस. सो ही इज कोको एंड बिल्कुल पोलू की तरह दिखता है, सरप्राइजिंगली. आई डोंट नो व्हाई, जबकि पोलू और इसका कोई रिश्ता नहीं है. पोलू गुड़गांव में है और ये छत्तीसगढ़ में है, बट स्टिल दे आर क्वाइट सिमिलर. ओके, आई थिंक कोको जो है वो पोलू के ही ब्रीड का है. पर्शियन में भी ना अलग अलग टाइप होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, तो ये पोलू के वेरिएंट का ही, क्योंकि उसी के जैसा कलर है, उसी के जैसी शक्ल है, काफी मैच करती है. ओके, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बच्चों. आई नो आलिया. नाउ नेक्स्ट वी हैव फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम 1, 2, 3, 4. पोलू, पोलू की याद आती तो है, बट कोको बहुत अच्छा है. लाइक कोको इज वेरी फन लविंग और एकदम खेलने कूदे खेलते कूदते रहता है, मस्त रहता है. सो ही इज ऑल्सो वेरी नाइस. रीजनिंग अभी नहीं शुरू होगा प्रतीक, अभी तो हम न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें तो हम अगले सेशन की पढ़ाई पहले कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग तो बाद में कभी करेंगे. ओ अनाम, दैट्स वेरी नाइस. अरे 19 पीपल ओनली गेव द राइट आंसर, सो ऑप्शन 3 वाज करेक्ट. कोको इज क्यूट, आई नो बच्चों, आई नो. प्रीशा, प्रियेशा, सृष्टि, नवो, मिहिर ऑन द लीडर बोर्ड. आलिया बेटा, ऑफ कोर्स मजा आता है, इट्स नॉट सजा. फाइंड द ऑड वन आउट, ये तो वो पहेली बूझो टाइप का हो गया ना, कि इसमें से क्या बोलते हैं अब उसको, क्या तो पहेली को बोलते थे हम, याद नहीं आ रहा मुझे. फाइंड द मिसिंग समथिंग ऐसा होता था ना. यस शुभो, आई विल टीच यू इन क्लास 8, बट तुम क्लास 7 में तो आए नहीं पढ़ने, ऐसा क्यों ये तो बताओ पहले. बुझो बुझाओ. नाइस आदमी, सेकंड वन, एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल इल्मा, बिल्कुल, बहुत ही क्यूट हो तुम. प्रमिला, अनन्या, निकिता, कृतिका, प्रियेशा, सृष्टि, नवु, आरोही, हर्षिता एंड मिहिर. नो
नहीं ना, नोट एट ऑल आलिया बेटा, मैं कहाँ डांटती हूँ यार किसी को। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अरे भाई तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो मैं भी सॉल्व करूंगी इसको। सो दिस दिस एंड दिस 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 एंड दिस। अरे ये तो आसान है, नॉट दैट टफ। तो हमें चाहिए थोड़े से बाल और एक वॉच एंड और क्या है उसके साथ? ओ बियर्ड भी होनी चाहिए, है ना? सॉरी मन्नत बेटा, यू कांट गेट द लिंक ऑफ दिस मेंटी ना, बिकॉज ये तो मेरी आईडी पे क्रिएट की गई है। मैं आपको लिंक शेयर भी कर दूंगी तो आप अपनी आईडी पे कैसे उसको रन कर पाओगे? आई विल मीट अरुण एंड यू देन वेन वी मीट आई विल फॉरगेट टू रिमूव माई ओरिजिनल से इन लाइक आई फॉरगॉट टू फेस रिवील। इज दैट सो जॉयल? ऑप्शन ए। कंफ्यूज हो गए ऑप्शन सी के साथ। वेल बियर्ड भी जरूरी थी, जो ऑप्शन सी वाला था ना उसे बियर्ड नहीं थी, ठीक है। सो मीर और हर्षिता ने फिर से दिया है सही जवाब, और प्रियेशा ने भी एंड और भी बाकी बच्चों ने। सो वेरी गुड। एंड नाउ आखिरी सवाल ऑफ टुडेज क्लास। कैन यू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन दिस वायरल मैथस्टिक पजल? 89537-। हार्दिक बेटा क्लास 9th में आपको आरडीआरएस तो करनी ही पड़ेगी, आरडीआरएस के बिना इट्स नॉट पॉसिबल मैथ में अच्छा परफॉर्म करना, है ना? वेरी गुड श्रुति मोरे। अश्विनी बेटा किसका लिंक चाहिए आपको? अच्छा ओके आलिया। वन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हम स्लोली स्लोली मैथ स्टिक रिमूव करते जा रहे हैं, तो जब हम फाइनली एक और मैच स्टिक रिमूव करेंगे तो वन बन जाएगा, है ना? एंड ऑन द लीडर बोर्ड आ गए हैं हिबा, जानवी, अनन्या, प्रियेशा, अनुषा, दक्ष, अर्णवी, हर्षिता एंड दृष्टि, आई थिंक, या फिर सृष्टि। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मीर, यू आर द टॉपर, वेरी गुड। सृष्टि, अच्छा ओके। So, मिहिर, हर्षिता और अर्णवी हैं हमारे आज के टॉपर्स, वेरी गुड वेरी गुड। सो मिहिर, हर्षिता और अर्णवी को मिलते हैं स्टार बैजेस ऑफ द डे। सो हरिकेन ऑफ द डे इज मिहिर, एंकर ऑफ द डे इज हर्षिता एंड डैगर ऑफ द डे इज अर्णवी। वेल डन एवरीबॉडी, कांग्रेचुलेशंस एंड That's all for the day. Okay, बच्चों, so I hope कि आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, और मजा आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है, आज दोबारा बता रही हूँ कि वेदांतों के ऐप पर भी हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको पढ़ा रही हूँ ना, वैसे ही हम वेदांतों के ऐप पर ही पढ़ाते हैं, और बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होती है वहां पे भी, लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हर लाइव क्लास के आपको रिकॉर्डिंग रिप्लेज मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, एंड तत्वा की बुक भी मिलती है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए आपको मिलते हैं डाउट सॉल्विंग स्पेशल क्लासेस एंड क्लास टीचर्स, एंड प्रैक्टिस के लिए होमवर्क असाइनमेंट, वर्कशीट असाइनमेंट एंड अ लॉट ऑफ टेस्ट। सो जल्दी से एनरोल करिए, मेरी दो बैचेस शुरू होने वाली हैं, एक है 7A और दूसरा है 8B। क्लास 7th और क्लास 8th को मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो गेट सेट रेडी।
सो गाइस प्री बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, तो आप भी फटाफट से एनरोल कर लीजिए इन प्री बुकिंग की क्लासेस को, ताकि आप भी बेनिफिट ले सके इन सुपर अमेजिंग क्लासेस का। और अभी 30% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, तो क्लास सिक्स के बच्चे सिर्फ और सिर्फ 14,500 में एनरोल कर सकते हैं, क्लास सेवन के बच्चे 17,500 में एनरोल कर सकते हैं, और क्लास एट के बच्चे भी 17,500 में पूरे साल का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एनरोल करिए प्री बुकिंग कोर्सेस एंड यूज माई कूपन कोड SKPRO टू गेट एनरोल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय गाइस।